subscribe Shama's Dishes and Healthy Foods and press the bell icon so you may get the notification of my new videos. This is Shama Rashid from Shama's Dishes and Healthy Foods. कैसे हैं आप लोग? और मैं आज मैं आपके लिए चिकन कॉर्न सूप बना रही हूँ. कॉर्न सूप जो है बहुत पसंद आता है और सर्दियों के मौसम में वैसे भी ये बहुत शौक से किया जाता है. तो इसके लिए जो मैंने एक पाव मैंने तकरीबन एक पाव से थोड़ी ज़्यादा मैंने चिकन ली है और इसके साथ ही मैंने लिया है 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और अंडे की सफ़ेदी. सर 2 अंडों की सफ़ेदी ली है. 3 से 4 जो है वो टेबल स्पून मैंने कॉर्न लिया. इसके साथ ही मसाले में काली मिर्च 1 टीस्पून नमक लिया. सबसे पहले हम इसकी यखनी तैयार करेंगे. इसके बाद गार्निश के लिए सर्व करने के लिए मैंने सिरके में हरी मिर्च 2 से 3 काटी है और चिली सॉस भी है और सोया सॉस भी है. ये बहुत जल्दी बन जाता है. हम इसे अभी इंस्टेंट जो है इसे तैयार करेंगे. सबसे पहले हम चिकन की यखनी तैयार करेंगे. सबसे पहले से 3 टेबल स्पून इसमें पानी डालेंगे और उसको इसका हम हल्का सा मिक्स करके इसकी पेस्ट बना लेंगे. पेस्ट लेंगे, थोड़ा सा लिक्विड इसका बना लेंगे. पेस्ट से थोड़ा ज़्यादा पानी डालेंगे और इसको हम रेडी करके एक साइड पे रख देंगे. इसमें बॉयल आना शुरू हो गया. मैं इसके अंदर चिकन डाल दूँगी. चिकन मैंने ब्रेस्ट पीस लिया है. आप चाहें तो बोन्स के साथ भी ले सकते हैं क्योंकि इसको तो हमने बॉईल करके इसकी बोन्स निकालनी होती है. इसके साथ ही हम लहसुन अदरक का जो है वो पेस्ट इसके अंदर शामिल कर देंगे. और साथ ही हम इसके अंदर नमक शामिल कर देंगे और इसके एक बॉईल आने का वेट करेंगे. चिकन जो है वो हमारी बॉयल हो रही है और इसको उस वक्त तक बॉयल करना है जब तक इस ये बिल्कुल गल नहीं जाता. और जैसे ही ये गलेगी तो हम इसको निकाल के तो इसको हम बिल्कुल क्रश कर लेंगे हाथ से. इसको बिल्कुल छोटा छोटा हम हाथ से क्रश कर लेंगे और फिर हम मैं आपको बताती हूँ फिर इसको क्या करना है. चिकन जो है वो गल चुका है. अब मैं इसे निकालने लगी हूँ और इसको निकाल कर तो मैं इसको हाथ से क्रश कर लूँगी. इसे चूरा चूरा कर लूँगी और बाकी का जो पानी है उसको हम इसके अंदर ही रहने देंगे और इसमें हम शामिल कर देंगे काली मिर्च जो मैंने आपको बताई थी. हम इसमें काली मिर्च डाल देंगे. काली मिर्च डालने के बाद इसको हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे और बिल्कुल इसे हल्की आंच पे रख देंगे. मैंने इसके अंदर काली मिर्च शामिल कर दी थी. अब मैं आँच को तेज़ करके इसके अंदर मैं अब चिकन मैंने चूरा चूरा कर लिया. बिल्कुल इसको मैंने हाथ की मदद से कर लिया और अब मैं ये सारी चिकन इसमें शामिल करके इसके बॉयल होने का वेट करूँगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे. और कॉर्न्स मैंने इसमें इसलिए शामिल किए क्योंकि अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं थे. तो इसमें कॉर्न्स भी जो है वो 1 कप तकरीबन आप शामिल कर सकते हैं. और साथ ही हम जैसे इसमें बॉयल आएगा इसके अंदर हम कॉर्न फ्लावर डाल देंगे. फ्रेंड्स मैं आपको बताना भूल गई थी इसके अंदर हम थोड़ा ये बॉयल होना शुरू हुआ है तो मैं इसके अंदर सोया सॉस भी डालूँगी. सूखे वैसे सर्व करने के दौरान भी डालते हैं और इस तरह से भी डालेंगे. इससे ये होगा कि इसका टेस्ट और अच्छा हो जाएगा. और कुछ लोग इसमें चाइनीज़ सॉल्ट डालते हैं. मैं नहीं डाली क्योंकि वो मुझे सेहत है. आप भी कोशिश करें कि उसे ना इस्तेमाल करें. और साथ ही हम इसके अंदर डालेंगे 1 चम्मच जो है वो हम सिरका डालेंगे. 1 टेबल स्पून इसके अंदर हम सिरका भी डालेंगे. इससे ये होगा कि इसका टेस्ट भी अच्छा होगा और
ये इसके अंदर से जो चिकन की स्मेल है वो भी चली जाएगी। फ्रेंड्स अब बारी है कि हम इसके अंदर चिकन बॉयल होने के दौरान ही हम इसके अंदर कॉर्नफ्लावर जो हमने पानी में शामिल किया था वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको मुसलसल हम हिलाते रहेंगे और जितना आप इसको गाढ़ा करना चाहते हैं आप कर सकते हैं और इसको आप तकरीबन दरमियानी आंच पे आप इसे पकाएं ताकि चिकन भी अच्छी तरह गल जाए और जो है वो सूप भी गाढ़ा हो जाए। तो इसको हम मुसलसल चम्मच को हिलाते जाएंगे ताकि ये अच्छी तरह से गाढ़ा हो जाए। सूप जो है इस वक्त गाढ़ा हो गया, काफ़ी हद तक गाढ़ा हो गया। अब इसी दौरान मैं इसमें चम्मच हिलाती जा रही हूँ और साथ ही चिकन भी अच्छी तरह से गल गया। अब मैं इसके अंदर जो है अंडे की सफ़ेदी को अच्छी तरह से फेंट लूँ, दो अंडों की सफ़ेदियाँ मैं अच्छी तरह से फेंट लूँ और इसको आप इसके अंदर डाल दें और इसको चम्मच से हिला लें ताकि सफ़ेदी जो है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। इस तरह से हिलाते जाएं और ये देखें इस तरह से ये मिक्स हो जाएगी। अब आप देखें सूप की जो रंगत है वो भी कितनी अच्छी लग रही है और सूप की शक्ल में ही आ गया और आप इसे नसीब 10 से 15 मिनट इसे हल्की आंच पे जो है मीडियम लो फ्लेम पे आप इसे रखें और इसे आप पकाते जाएं और आपका सूप जो है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा। मैं इसकी आंच जो है वो थोड़ी स्लो कर रही और अब मैं इसको मुसलसल चम्मच चलाते हुए ऐसे 10 से 15 मिनट जो है वो ऐसे मज़ीद पका लूँगी। सूप जो है वो हमारा रेडी है, बिल्कुल रेडी हो गया है इसका। ये देखिए कितना गाढ़ा सूप बना है और ये आपकी मर्ज़ी है, आप जितना भी इसे गाढ़ा करना चाहते हैं। ये देखिए अच्छी तरह से चिकन भी गल गया और अब हम इसे सर्व कर देंगे। मैं इसे चूल्हे को फ्लेम को बंद कर देती हूँ और मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। सूप हमारा रेडी है, बिल्कुल गर्म गर्म सूप हमारा जो है ये रेडी है सर्व करने के लिए। इसके साथ मैंने सिरके में 3 से 4 जो है हरी मिर्चें डाल के रखी हैं और साथ ही चिली सॉस और सोया सॉस भी मैंने रख दिया है और आप इसे सर्व करें बच्चों के लिए। खास तौर पर सर्दियों का ये बहुत अच्छा एक सूप है और इसके साथ ही बड़ों के लिए भी बहुत अच्छा है। ठंडे ठंडे मौसम में गरम गरम सूप का लुत्फ़ उठाएँ और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और आप इसे और ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ सबके साथ शेयर करें सर्दी के इस अच्छी सी डिश को। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।